नमस्कार स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर गणेश चतुर्थी के दिन एक चीज जरूर खा लेना पूरे साल जमकर पैसा आएगा दोस्तों भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को दोपहर के समय में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था इसीलिए सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है और कहीं कहीं पर इसे इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते शास्त्रों के अनुसार अगर आज के दिन कोई भी व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसे कलंक का भागी बनना पड़ता है कोई न कोई अपयश अवश्य ही प्राप्त होता है इसीलिए इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है और ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन चंद्रमा के दर्शन ना हो और मान लीजिए कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन गलती से हो भी जाए तब क्या करना चाहिए इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में एक दोष निवारण मंत्र बताया गया है वो उपाय बताया गया है अगर आप आज के दिन आप उसे कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको इस प्रकार के किसी भी अपयस का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसे कि आप इस मंत्र का आप जाप कर लें ओम गम गणपते नमय और फिर आप ओम श्री चंद्रदेवाय नमय इस प्रकार से मंत्र का जाप जरूर कर लें तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा भगवान गणेश जी की कृपा पूरे साल जमकर बरसेगी साथ ही साथ गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी गणेश जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा क्योंकि ये जो पर्व होता है ये पूरे दस दिन तक चलता है ग्यारहवें दिन विसर्जन होता है और साथ ही बताएंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा अनंत चतुर्थी अनंत चतुर्दशी तक ये पर्व चलता है गणेश जन्मोत्सव पर्व चलता है तो गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि तिथि के दिन क्या आपको एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए ताकि आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा पूरे साल बरसे यह भी हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी ये भी हम आपको बताएंगे और आपको व्रत धारण करते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन ही गणेश भगवान को आप अपने घर में स्थापना करते हैं पूजा करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा ये जानकारी आपको देंगे तो आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ किस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान गणेश जी की पूजा करते समय कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सी वो वस्तु उन्हें अर्पित करें जिससे भगवान गणेश जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो साथ ही वह कौन सी एक चीज खा लें कि पूरे साल जमकर बरस बरसे पैसा जिस भी मनोकामना हेतु भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे वो सभी मनोकामनाएं आपको हाथों हाथ आपकी पूर्ण करेंगे भगवान गणेश जी क्योंकि वह विघ्नहरता हैं सभी बाधाओं को दूर करने और दुर्भाग्य का नाश करने वाले भगवान गणेश जी हैं इनकी कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है शुभ लाभ के प्रदाता हैं इसके लिए विशेष इनके लिए क्या करना चाहिए तो संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ इसलिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के बीच रिश्तेदारों के बीच और फ्रेंड यानी सभी के साथ आप शेयर करें दोस्तों भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है किसी भी प्रकार की बाधाएं आपके कार्यों में आ रही हो आपके जीवन में आ रही हो तो अगर आप गणपति की आराधना गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तो आपके सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं इसीलिए भगवान गणेश जी की पूजा प्रथम की जाती है सबसे पहले की जाती है मतलब किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है कोई भी धार्मिक कार्य हो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो कोई यज्ञ आप करना चाहते हैं या कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और वो इसलिए ताकि उस कार्य में किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाएँ ना आए और वो शुभ कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो इसलिए भगवान गणपति की आराधना सबसे पहले की जाती है आइए जानते हैं चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो, हो रही है तीस अगस्त को दोपहर तीन बजकर चौंतीस मिनट पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी इकतीस अगस्त को दोपहर में तीन बजकर बाईस मिनट पर तो व्रत हमें कब करना है भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव कब मनाना है देखिए प्रातःकालीन तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है वो 31 अगस्त को सूर्योदयकालीन चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है तो इसलिए 31 अगस्त को और बुधवार के दिन गणेश जी का जन्मोत्सव प्रारंभ होगा इस बार दुर्लभ संयोग बन रहे हैं क्योंकि इस बार की गणेश चतुर्थी बुधवार के दिन और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को अतप्रिय है समर्पित है यानी कि इकतीस अगस्त को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व इस बार मनाया जाएगा इस दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति अपने घर पर स्थापित की जाती है और विधिवत उनकी पूजा की जाती है और पूरे दस दिन तक ये पर्व मनाया जाता है विधिवत पूजा करने के बाद आरती की जाती है भोग उन्हें अर्पित किया जाता है अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार भक्त उनकी सेवा आराधना करते हैं और इसके बाद उनको विसर्जन किया जाता है पूरे दस दिन तक उनका उत्सव मनाकर और फिर ग्यारहवें दिन उन्हें यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विसर्जित किया जाता है शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार के कामनाएं पूर्ण होती हैं विघ्नहारता भगवान गणेश जी अपने भक्तों के जीवन के सभी प्रकार के विघ्नहारता है क्योंकि विघ्न हरने वाले हैं वो और जीवन को सुखमय मंगलमय बना देते हैं गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को अगर आप दूर्बा की माला अर्पित करते हैं तो विशेष लाभ होगा ये उपाय जरूर करें क्योंकि इस दिन उनको पूजा करते समय विशेष रूप से दूर्बा अर्पित करें दुर्बा की माला अर्पित करें तो शिक्षा में नौकरी में व्यापार में संतान में वैवाहिक जीवन हर प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त होती है 108 सौ दूरबा अर्पित करें तो सोने पर सुहागा अच्छा रहता है आप चाहें तो पूरे 10 दिन तक लगातार गणेश जी को अर्पित करें दूरबा की माला हर मनोकामना हाथों हाथ पूरी होगी आपकी हर परेशानी पूरी होगी पूरे साल जमकर पैसा आएगा पैसे की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी छप्पड़ फाड़ बरसेगा पैसा ही पैसा आपकी हर मनोकामना भगवान गणपति जी जरूर पूरी करेंगे गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को आप मोदक का भोग अर्पित करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है जो भक्त गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसी गणेश चतुर्थी से वो व्रत प्रारंभ कर सकते हैं अब बात करते हैं पूजा और स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तो देखिए शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथि को हुआ था उस दिन सोमवार का दिन और मध्यान्ह काल का समय यानी कि दोपहर का समय था अभिजीत मुहूर्त था स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ इसीलिए दोपहर से भगवान में यानी दोपहर में भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा उनकी पूजा स्थापना की जाएगी और इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 31 अगस्त को सुबह ग्यारह बजकर पाँच मिनट से दोपहर एक बजकर अड़तीस मिनट के बीच आप पूजा जरूर करें इसी शुभ मुहूर्त में आप भगवान गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए अभिजीत मुहूर्त में करें दोपहर ग्यारह बजकर छत्तीस मिनट से लेकर दोपहर बारह बज के उनतालीस मिनट तक ये जो शुभ मुहूर्त रहेगा इसमें भी कर सकते हैं उनकी विधिवत पूजा आराधना करें पूजा किस प्रकार से करें तो देखिए अगर आप अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो उस जगह पर आप अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लें शुद्ध जल से सींच लें यथासंभव उस जगह को सजा लें बढ़िया से फूलों से सजा लें आप यानी कि बेहतरीन ढंग से सजा लें चौकी स्थापित करें चावल पीला वहाँ पर छिड़कें यानी कि उसमें हल्दी मिलाकर चावल को और फिर स्वास्तिक बनाएं फिर वहाँ पर छिड़कें और उसके ऊपर ही आपको एक चौकी पर स्थापित करें पीले वस्त्र वहाँ पर उड़ा दें भगवान गणेश जी को स्वास्तिक बनाएं और वहाँ पर भगवान गणेश जी की स्थापना करते समय विशेष रूप से उन्हें कलश की स्थापना करें कलश सामने रखना चाहिए तो विधिवत पूजा करें फिर आप यानी कि व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं या फिर जो लोग व्रत नहीं हैं वो भी पूजा पाठ जरूर करें दोस्तों गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बहुत शुभ होता है ईश्वर ये कई शुभ संयोगों में आया है इस बार कई वर्ष के बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है इस बार की गणेश चतुर्थी पर तो गणेश चतुर्थी के दिन एक चीज़ ज़रूर खा लीजिएगा वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको विशेष यानी कि लाभ होगा देखिए गणेश यानी कि चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को आप सबसे पहले तो आप लड्डू का भोग लगाएं और लड्डू का भोग लगाते समय लड्डू का सेवन जरूर कर लीजिएगा और साथ ही उन्हें मोदक यानी कि उन्हें भोग लगाएँ और उन्हें इस दिन गणेश भगवान को आप खीर का भोग लगाएँ खीर बनाकर उन्हें भोग लगाएं और खीर को पूरे घर परिवार में ज़रूर आप खा लें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा खीर को बनाते समय आप उसमें यानी कि इलायची जरूर डाल दीजिएगा इलायची डाल दें तो विशेष लाभ होगा और साथ ही साथ इस दिन अगर आप थोड़ी सी मूँग को आप मूँग को यानी कि पहले पानी में भिगो दें अच्छी तरह से फूल जाए तो फिर आप मूँग और गुड़ ध्यान रखिएगा हरी मूँग होनी चाहिए हरी मूँग और गुड़ को आप साथ में खा लें तो गणेश जी पूरे साल आपके घर में विराजमान रहते कभी भी धन की कमी नहीं होती या फिर आप इस दिन भोग के रूप में थोड़ी सी धनिया साबूत यानी कि धनिया हो और थोड़े से गुड़ का भोग लगा दें और फिर आप गुड़ और धनिया को भोग के लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें पूरे घर परिवार में इसका सेवन कर लें तो पूरे साल भगवान गणेश की कृपा बरसती है और पैसे छप्पड़ फाड़ के आते हैं चारों दिशाओं से पैसे आते हैं कभी भी धन की कमी नहीं होती है इस प्रकार से आपको गणेश चतुर्थी के दिन आपको धनिया और गुड़ जरूर खा लेना है या फिर खीर बना के खा लें या फिर आप लड्डू खा लें इस दिन प्रसाद के रूप में तो विशेष लाभ होगा फलों में जैसे कि उन्हें आप पीले वस्ते के केले वगैरह खा लें केले उन्हें ज़रूर अर्पित करें भगवान गणेश जी को केला बहुत प्रिय है तो केला भी आप इस दिन खा सकते हैं फलों में तो विशेष लाभ होगा तो इस प्रकार से आपको गणेश चतुर्थी के दिन ये चीज़ें ज़रूर खा लेनी है गणेश जी कृपा आपके घर और परिवार में पूरे साल जमकर बरसेगी चारों दिशाओं से जमकर आएंगे पैसे गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी छप्पड़ फाड़ बरसेगा पैसा ही पैसा तो दोस्तों इस प्रकार से आपको गणेश उत्सव ज़रूर बनाना चाहिए तो वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जय गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तो फिर से आ